पहले बात कर लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा की। आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज देव दीपावली मनाई जाएगी। आज के दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान पुण्य और दीप दान करने का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की पूजा करने से भक्तों की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन गंगा या फिर अन्य किसी पवित्र नदी या फिर जलकुंड में स्नान करना बहुत फलदायी माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कल दोपहर 3:52 से हो गई है और इस तिथि का समापन आज दोपहर 2:45 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा आज मनाई जा रही है। तो कार्तिक पूर्णिमा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है और प्रदेशवासियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, लोक आस्था के पावन पर्व कार्तिक पूर्णिमा की प्रदेशवासियों एवं समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु और गंगा की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, चराचर जगत का कल्याण हो, यही प्रार्थना है। तो कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट किया है। तो हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आज के दिन का बेहद खास महत्व होता है। इस दिन पुण्य कमाने के लिए लोग गंगा नदी में स्नान भी करते हैं और पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा, श्रद्धा भक्ति दैवीय उपासना की भारतीय परंपरा से प्रकाशित पावन पर्व कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की असीम शुभकामनाएं। मेरी कामना यह है कि ये पावन अवसर देश भर के मेरे परिवारजनों के जीवन में नई रौनक और स्फूर्ति लेकर आए। तो कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली है आज। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा को ही मनाई जाती है और आज के दिन काशी में भी पूरे तरीके से तैयारी कर ली गई है देव दीपावली को लेकर। लेकिन आज के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है, इसलिए घाटों पर भी सुबह से ही रौनक देखी जा रही है। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी है कार्तिक पूर्णिमा की। और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार विशेष महत्व आज के दिन का होता है। आज के दिन गंगा स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि की कामना जो लोग करते हैं वो भी आज के दिन गंगा स्नान करते हैं, इसलिए घाटों पर आज खास तौर पर रौनक दिख रही है। तो देख सकते हैं इन तीनों ही तस्वीरों में, तीसरी तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं ये काशी की, जहां पर पूरी तैयारी देव दीपावली को लेकर की गई है, और पहली और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं घाटों की, गंगा नदी के किनारे किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तो भक्ति में लीन श्रद्धालु सुबह सवेरे से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं गंगा नदी के किनारे। श्रद्धालुओं का तांता सुबह से लगा हुआ के तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि आज के दिन का बेहद खास महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा है आज, और कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन अगर आप गंगा में स्नान करते हैं तो इसका खास महत्व है। और जो लोग सुख समृद्धि की कामना करते हैं वो भी आज के दिन गंगा स्नान के जरिए अपने लिए सुख समृद्धि की कामना कर सकते हैं। फिलहाल ये चार तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें, गंगा के किनारे किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है वो आप देखिए। दूसरी तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं ये देव दीपावली को लेकर जो वाराणसी में तैयारियां हैं वो आप देख रहे हैं, क्योंकि काशी में आज देव दीपावली भी मनाई जानी है और कार्तिक पूर्णिमा पर ही देव दीपावली मनाई जाती है। फिलहाल इन चारों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आज गंगा के किनारे घाटों पर किस तरह की रौनक है। सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं,
पूरे विधि विधान के साथ पंडित भी अपने साथ लेकर लोग गए हैं ताकि पूजा जो आज के दिन की जाती है उसमें कोई कमी ना रहे। गंगा स्नान का जो विशेष महत्व आज के दिन है, लोग ये भी एक वजह है कि लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार आज के दिन का, आज के इस पर्व का खास महत्व है और गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है। तो ये तीन तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, काशी में आज भव्य देव दीपावली मनाई जाएगी। वाराणसी के घाटों पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और कई केंद्रीय मंत्रियों सहित 70 देशों के राजदूत इस बार देव दीपावली को देखने वाले हैं। गंगा में क्रूज पर सवार होकर गंगा की महाआरती देखी जाएगी और देश दुनिया में प्रसिद्ध देव दीपावली की महाआरती इस बार खास होने जा रही है, विशेष होने जा रही है। 27 नवंबर को दीपों की रोशनी के बीच दशाश्वमेध घाट पर होने वाली महाआरती की भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि बीते कल की तस्वीरें काशी की, किस तरह से जगमग काशी दिखाई दी कल रात। और हालांकि आज की बात करें तो आज दिए जलाकर जो देव दीपावली वहां पर मनाई जाएगी वो काफी भव्य रहने वाली है। पिछले साल भी इसी तरह से काशी में देव दीपावली मनाई गई थी और देव दिवाली की तैयारियां इस बार भी तेज हो गई हैं और ये तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो देवताओं की दिव्य दीपावली है आज काशी में और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसे मनाया जाता है। हालांकि आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे और 70 देशों से माना जा रहा है कि राजदूत भी पहुंचेंगे, विदेशी मेहमान भी पहुंचेंगे, ये भी साक्षी बनेंगे इस देव दीपावली के। गंगा आरती जो होगी क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती का भव्य नजारा भी आज काशी में दिखाई देने वाला है। तो अपने आप में बेहद खास आज का दिन हो जाता है काशीवासियों के लिए, देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए। 150 मेहमान जो कि विदेश से आएंगे वो भी देव दीपावली के साक्षी बनने वाले हैं। गंगा के घाटों पर पूरी तैयारी कर ली गई है, तो जितने भी घाट हैं काशी में सभी जगह पर पूरी तैयारी है, चाहे वो साज सजावट की बात हो, लाइटनिंग की बात हो, तो पूरे तरीके से तैयारी कर ली गई है देव दीपावली को लेकर। तो लगातार बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, देव दीपावली की तैयारियां तेज हो गई हैं और देव दीपावली को लेकर पूरी तैयारी काशी में दिखाई दे रही है। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज कई महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। सुबह 11:30 पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और इसके बाद दोपहर में 12:30 विधान भवन में सर्वदलीय बैठक होगी। दोपहर में 3:00 विधानसभा की सुरक्षा को लेकर बैठक की जाएगी और इससे पहले दिन बीजेपी विधायक स्वर्गीय आशुतोष टंडन के निधन के चलते सदन की कार्यवाही शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित हो जाएगी। 29 और 30 नवम्बर और 1 दिसंबर तक सदन संचालित करने की योजना है। इसमें एक दिन अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। एक दिन नेता प्रतिपक्ष अनुपूरक बजट पर अपनी बात रखेंगे और उसके बाद नेता सदन में सीएम योगी सदन को संबोधित करेंगे। संकेत मिश्रा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संकेत, कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है लेकिन आज कई महत्वपूर्ण बैठकें होनी है, कितने कितने बजे ये बैठक होगी?
कल विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और काफी अहम सत्र है। दरअसल अनुपूरक बजट पर मुहर लगाई जाएगी और ये अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश की तमाम जो विकास की योजनाएं हैं उनको संचालित करने का है और यह अनुपूरक बजट पिछले अनुपूरक बजटों से काफी बड़ा होगा। इसका आकार 50,000 करोड़ के लगभग हो सकता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी तमाम योजनाएं को मुहर लगेगी इस अनुपूरक बजट के माध्यम से और उसकी जो शीतकालीन सत्र है उसकी तैयारियों से संबंधित आज से ही बैठकों का दौर शुरू होगा। आज सुबह 11:30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। इसमें पूरी जो विधानसभा की कार्रवाई है उस पर मंत्रणा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। वहीं दोपहर 12:30 बजे विधान भवन में सर्वदलीय बैठक होगी। इस सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के प्रमुख बैठेंगे और विधानसभा को बेरोक टोक बेहतर तरीके से चलाने के लिए मंथन किया जाएगा और 3 बजे विधानसभा की सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कि विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता चाक चौबंद रहे। पुलिस विभाग, गृह विभाग के बड़े अफसर मौजूद रहेंगे। वही दूसरी तरफ 4 दिन शीतकालीन सत्र चलाने की तैयारी है और कल 28 नवंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और कल दरअसल पिछले दिनों आशुतोष टंडन जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे उनके निधन का शोक प्रस्ताव पढ़ा जाएगा क्योंकि वो विधानसभा के उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं। ऐसे में कल ये शोक प्रस्ताव के बाद सदन स्थगित किया जाएगा। 29 को अनुपूरक बजट टेबल किया जाएगा, यानी कि 29 का दिन काफी अहम है विधानसभा सत्र के लिए। बिल्कुल संकेत, और विपक्ष की तरफ से कई बार कई मुद्दे उठाए जाते हैं। इस बार इस सत्र की हम बात करें तो इस सत्र में किस भूमिका में नजर आ सकता है विपक्ष? देखिए, विपक्ष ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। सीधे तौर पर विपक्ष का कहना है कि सरकार को तमाम मुद्दों पर वो घेरने का काम करेंगे, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर किसानों संबंधित मुद्दा हो या बेरोजगारी संबंधित मुद्दा हो। विपक्ष एकजुट होगा, लामबंद होगा, सरकार के खिलाफ घेराबंदी करेगा और वही सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए, विपक्ष के विरोध से निपटने के लिए कल भारतीय जनता पार्टी ने 9:00 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। बीजेपी भी इसके लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अगर पिछले सत्रों को देखा जाए तो खुद योगी आदित्यनाथ आगे बढ़कर अपने जो भी विपक्ष के सवाल होते हैं उनका मजबूती से जवाब देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कल गहमा गहमी रहेगी। हालांकि कल आशुतोष टंडन के निधन प्रस्ताव है और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष ने विपक्ष विरोध को तैयार है, विपक्ष ने तैयारी कर ली है और विधानसभा इस बार नए रूप में नजर आएगी। दरअसल विधानसभा में 66 साल बाद नए नियम लागू होंगे। कोई बैनर पोस्टर विपक्ष के सदस्य जो अमूमन विधानसभा के भीतर रहते थे, विरोध करते थे, अब वो नहीं ले जा सकेंगे। इसके अलावा मोबाइल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो भी विधायक है विधानसभा के सदस्य वो मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका संकेत मिश्रा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा जिससे यूपी के विकास को रफ्तार मिलेगी। वहीं कल योगी कैबिनेट की बैठक होगी। सहकारी समितियों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की तैयारी चल रही है, जिसमें योगी सरकार पैक्स को 10 लाख का ब्याज मुक्त ऋण देगी। पैक्स के ऋण के ब्याज का प्रस्ताव अनुपूरक बजट को पेश किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि इसके साथ ही अनुपूरक बजट में पीडब्ल्यूडी ने 5,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्तावों को मंजूरी भी दी जा सकती है। विंटर सेशन होगा विधानसभा का और इसमें अनुपूरक मांगे भी आएंगे और विधानसभा का जो विधायी कार्य है, कई बिल्स हैं, वो भी आएंगे। 28 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। पहले दिन तो एक दुखद समाचार भी है। निश्चित रूप से जैसी विधानसभा की परंपरा रही है तो वैसे तो कार्य मंत्रणा समिति ही इसको तय करती है, लेकिन ये परंपरा रही है कि पहले दिन जो है वो श्री आशुतोष टंडन जी जो हमारे सम्माननीय विधायक थे उनका निधन का निर्देश होगा। हर तरह से हमारा फोकस विकास पर है। विकास, विकास और विकास। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में मेंटेन हुआ, बड़े पैमाने पर उसमें सुधार हुआ और उसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रहा है और डेवलपमेंट में ये हमारा जो बजट आएगा वो निश्चित रूप से उसका सहयोग मिलेगा।
कल यूपी के मंत्री देंगे अपने कामकाज का ब्यौरा। सीएम योगी आगामी कार्य योजना का मंत्रियों को लक्ष्य देंगे और सीएम योगी ने 28 नवंबर को मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, जहां पर लोक भवन में कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सीएम योगी ने मंत्रिमंडल की बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्य एवं स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को बुलाया है और मंत्रिमंडल बैठक में प्रभार वाले जिलों के फीडबैक की रिपोर्ट ली जाएगी और आगामी एजेंडे पर मंथन भी किया जाएगा। लोक भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और 28 नवंबर को यह महत्वपूर्ण बैठक सीएम ने बुलाई है। तो आगामी कार्य योजना का लक्ष्य भी इसमें मिलेगा। कल यह महत्वपूर्ण बैठक होगी, कल मंत्री अपने कामकाज का ब्यौरा देंगे, रिपोर्ट उनसे ली जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण मीटिंग कल होगी। जालौन में शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। खुद को घिरता हुआ देखकर बदमाशों ने पुलिस की टीम पर कई राउंड फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 4 शातिर बदमाशों को गोली लग गई, वहीं 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3रा शातिर अपराधी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार 3 बदमाशों के पास से मैरिज हॉल से चोरी सोने चांदी के गहने और नकदी बरामद की गई है। पकड़े गए चोरों पर कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। हरदोई में अंग्रेजी शराब की दुकान का शटर काट कर चोर हजारों रुपए की नकदी और शराब की बोतलें लेकर चले गए। चोरों की ये करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दिया कि 3 चोर दुकान के अंदर प्रवेश करने के बाद शराब की बोतलों को गत्ते में पैक करते दिखाई दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी चोर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों से मारपीट की गई है। मसूरी इलाके में रोडरेज के बाद मारपीट की गई है, रोडरेज के बाद ये मारपीट हुई है। मारपीट में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। एक पुलिसकर्मी से पिस्टल छीन ली गई। गांव में दबिश लेने के लिए पुलिस आई हुई थी और वापस लौटते वक्त गांव के बाहर लोगों से झड़प हुई है। ये चार लोग जो गाड़ी में बैठे हुए थे, इन्होंने पुलिस को मारपीट की। इसके अलावा अन्य भी ग्रामीणों की पहचान की जा रही है। इस संबंध में सेक्टर 63 की पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है और सुसंगत धारा मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमला करने वाले बीटेक छात्र लारिब हाशमी को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। लारिब न सिर्फ बेहद गुस्सैल स्वभाव का है, बल्कि आतंकी विचारधारा से भी प्रेरित है। लारिब हाशमी पाकिस्तानी चरमपंथी लीडर खादिम हुसैन का फॉलोवर है और उसके भाषणों ने उसे और ज्यादा उग्र और भड़काऊ बना दिया है। इस बीच पाकिस्तानी स्कॉलर से कनेक्शन पर कबूलनामा भी उसका सामने आ गया है। प्रयागराज में सिटी बस के कंडक्टर पर चॉपर से जानलेवा हमला करने वाला छात्र लारिब हाशमी आखिर इतना क्यों बेखौफ हो गया? आखिर कैसे उसके अंदर इतनी हिम्मत और वहशीपन पनप गया? आखिर कहां से हमलावर लारिब हाशमी को इस मामले की हिम्मत मिली? इन सवालों के जवाब अब मिलने शुरू हो चुके हैं। दरअसल बीटेक का छात्र लारिब न सिर्फ कट्टरपंथ की तरफ झुकाव रखता था, बल्कि ऐसी हमलावर सोच को बढ़ावा देने वाले इस्लामिक स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी को फॉलो करता था। खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तानी चरमपंथी समूह
तहरीके लबैक का संस्थापक है और कट्टरपंथी और उग्र सोच को बढ़ावा देता है। लारेब हाशमी न सिर्फ कादिम हुसैन रिजवी के भाषणों को सुनता था बल्कि उससे बेहद प्रभावित था। शायद यही वजह है कि उसने खौफनाक कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान नहीं ये हिंदुस्तान है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन अरे सलाम जो मुसलमान को गाली दे रहा था हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला की बरकत से इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं। सर वो बरेलवी हैं इसलिए फॉलो करते हैं। खान साहब को जानते हैं? जानते नहीं हैं, बस ऐसे मतलब नेट पे देखे थे उनको। आप जो वीडियो आपको वायरल हुआ उस वीडियो में उसी अंदाज में आप बोल रहे थे? बिल्कुल सर, वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए। आपने उनका वो भी कहा, उनके उनका जिक्र भी किया था? जी सर, क्योंकि उन्होंने मतलब बात की थी, नबी की इज्जत की बात की थी, तो इसीलिए उनका बात कर। 24 नवंबर को इलेक्ट्रिक बस के कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर बीटेक छात्र लारेब हाशमी ने चॉपर से हमला किया था। कोर्ट ने लारेब को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड पर भेजा है। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान हुए एनकाउंटर में लारेब को पैर में गोली लगी थी। यहां से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूलल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत का चलता है। जिसकी वजह से अभी इलाज के लिए उसे अस्पताल में ही रखा गया है। उधर पुलिस आगे की पूछताछ के लिए लारेब की हालत में सुधार के बाद कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल कर सकती है। वहीं पुलिस की एक टीम ने लारेब के परिवार से भी पूछताछ की है। लारेब के पिता एक पोएट्री फॉर्म चलाते हैं। परिवार ने माना कि लारेब बेहद गुस्सैल है। ऐसे में पुलिस के आला अधिकारियों ने उससे इस संबंध में पूछताछ की है। आखिर ये सवाल सबके मन में कौंध रहा है कि क्यों उसने चापर से जानलेवा हमला किया? क्या सिर्फ 8 रुपए का विवाद था या इसके पीछे और कोई वजह है? लेकिन जिस तरह उसने वीडियो वायरल किया था उसको देखकर साफ लग रहा है कि वो जिहादी मानसिकता का है और इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने भी कार्रवाई करते हुए उसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। ये बात इसमें सामने आ रही है, उसके आतंकी कनेक्शन को लेकर ATS ने भी जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस की टीम ने लारेब के घर जाकर उसके कमरे की तलाशी ली और वहां से मिले कट्टरपंथी साहित्य को लेकर भी जांच की जा रही है। उधर अस्पताल में भर्ती घायल बस कंडक्टर की हालत में अब काफी सुधार बताया जा रहा है। पुलिस ने लारेब की कॉल डिटेल्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए भी जानने की कोशिश शुरू कर दी है कि क्या लारेब किसी तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल था या फिर किसी संदिग्ध के संपर्क में था। ATS की जो टीम है उसके घर से कई सामानों को जब्त किया है, डेस्कटॉप के साथ ही साथ चिप और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य चीजें बरामद की है। 2 मोबाइल और बैंक खातों की डिटेल बरामद की गई है। लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी के संपर्क में था, उनके भाषणों को सुनता था, उससे प्रभावित था, उसको लेकर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि उसने जो वीडियो बनाया था उसमें भी यही बात उसने कही है कि वो तहरीके लबैक का नाम बार बार ले रहा है और ये कहा था कि ये बचेगा नहीं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस तरह की उसने बातें कही थी उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं उसका ब्रेन वॉश किया गया है और इससे वो प्रभावित था। सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं